ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत भाजपा नेता व पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल ने माधवगंज ब्लॉक के ग्राम पर 16 में रात्रि चौपाल लगाकर लोगों के साथ संवाद कर योजनाओं की हकीकत जाननी चाहिए। उन्होंने वहां मौजूद विभागीय अधिकारियों को गांव में छूट रहे विभिन्न योजनाओं के पात्रों की जांच कर उनको लाभ दिलाए जाने को कहा। चौपाल में पूर्व सांसद ने कहा कि वे केंद्र व राज्य की लगभग 72 योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं, जिनका लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाही में सुधार करने को कहा। इस मौके पर ग्राम परसोला प्रधान अनिल कुमार सिंह व धर्म सिंह पन्ने, इंद्रपाल सिंह, आशीष कुमार सिंह व सोलंकी आदि लोग भी मौजूद रहे। इसके अलावा विकासखंड वरखनी के अति पिछड़े पशु हाट क्षेत्र के डबरी खेड़ा में आयोजित रात्रि चौपाल में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। सांसद अंशुल वर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बेटा गोकुल के यासीनपुर में रात प्रवास किया तथा लोगों से कहा कि भाजपा सरकार हर उस व्यक्ति, परिवार व समाज के साथ है जो विकास की पंक्ति में सबसे निचले पायदान पर है। ब्लॉक टंडियावा के गांव आशा नगर में पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र मधुर ने रात्रि चौपाल लगाकर केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत चर्चा की। पार्टी की तरफ से आदेश हुआ कि जिले की 6 गांव सभा में शामिल हैं। मेरी छवि ऐसी रही है अब तक, हरदोई के लोग जानते हैं कि तेज तर्रार व्यक्ति है, तो जहां जाएगा कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा। मैं अपनी क्षम को वैसे ही बनाए रखना चाहता हूं और मैं यहां अधिकारियों से आज एक बात कह दे रहा हूं कि जब समीक्षा करी गई उससे हम बहुत संतुष्ट रहे। और मैं हरदम इस बात को कहता रहा कि सरकार की अगर योजनाओं को सही तरीके से गरीबों के बीच पहुंचा दिया जाए तो शायद इस देश में गरीबी अपने आप में समाप्त हो। लेकिन मुझे कहते हुए अफसोस होता है, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहराई में पहुंच गई। कभी कभी मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार हटाते हटाते कहीं हम ही ना हट जाए। एक दो बार हमने सोचा कि कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी जाए, चिन्हित करे, कार्रवाई करने जा रहे थे तब तक आप ही में से अपने लोगों के बीच से कुछ लोग आए कि साहब ये तो हमारे रिश्तेदार, कोई ने कहा मौसियां हैं, कोई ने कहा हमारे जीजा है, कोई ने कहा हमारे सौले हैं। और मैं कार्रवाई करना चाहता था, उन्होंने मुझे कार्रवाई नहीं करनी।